dear student, today we study about electric dipole. आज हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में स्टडी करते हैं. व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? सबसे पहले तो देखना है कि डाइपोल है क्या. सीधा सा फंडा यह है कि इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, एक माइनस और दूसरा प्लस, दोनों इक्वल हो, दोनों एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस पर सेपरेट होते हैं, वही होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल. तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए हम लोग डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल. इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या? ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल. जब इक्वल और अपोजिट चार्ज एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस पर होते हैं तब उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल. यहां पर सपोज कर लेते हैं कि यह प्लस क्यू चार्ज है और यह माइनस क्यू चार्ज है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हैं और स्मॉल डिस्टेंस पर दोनों सेपरेट होंगे, इसी को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल. अब स्मॉल डिस्टेंस यहां पे 2a हम ले लेते हैं, 2a क्यों ली? इसलिए कि ये स्मॉल डिस्टेंस है, इसमें इसकी वैल्यू a लेंगे तो बहुत ही छोटा हो जाएगा, इसलिए हम कह सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज, पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल. ओके, तो चलिए इसको राइट करते हैं हम लोग. पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल. ठीक है, जैसे कि मैंने बताया आपको, यहां पे एक माइनस क्यू है, दूसरा प्लस क्यू, और ये दोनों स्मॉल डिस्टेंस पर हैं, ये स्मॉल डिस्टेंस, ये बन गया इलेक्ट्रिक डाइपोल. ठीक है, ये भी है, यहां पे प्लस क्यू हो, यहां माइनस क्यू हो, इनके बीच की डिस्टेंस टू ए हो, ये भी इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाएगा. लेकिन क्या करिएगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो चार्ज के बीच की डिस्टेंस होती है वो बहुत ही कम होती है. फॉर एग्जाम्पल H2O, HCl, NaCl. अब ये यहाँ पे देख सकते हैं कि H और O के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, वही क्या होगी, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होगी. ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? द प्रोडक्ट ऑफ वन चार्ज ऑफ डाइपोल,
प्लस क्यू आर माइनस क्यू। द प्रोडक्ट ऑफ वन चार्ज ऑफ डाइपोल एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल के किसी एक चार्ज और दोनों चार्जों के बीच की जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होगी वही इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा। तो कहेंगे द प्रोडक्ट ऑफ वन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ओके, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इट्स डायरेक्शन फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू चार। अब यहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल ये माइनस क्यू चार्ज है और यह प्लस क्यू चार्ज है, इनके बीच की शॉर्ट डिस्टेंस 2a है। अब यहां पर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन माइनस से प्लस, जिसे p से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P equal q into 2a। ये देख लीजिए, यहां पर इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, जब दो इक्वल और अपोजिट चार्ज एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस पर सेपरेट होते हैं तो वही इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, आप देखें इलेक्ट्रिक डाइपोल माइनस और प्लस इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है जो कि 2a डिस्टेंस पर। यहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल के किसी एक चार्ज और दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होगा उसी को इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहेंगे। इसको p से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका डायरेक्शन जो होता है वह माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होता है। अब यहां पर इसकी यूनिट्स क्या हो जाएगी, यूनिट्स कूलाम मीटर। डायमेंशनल फार्मूला चार्ज की का डायमेंशनल फार्मूला ए टी एम। अब
हम लोग यहाँ पर देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ये भी देख लीजिए। H2O, HCl, NaCl, etc. ठीक है। अब ये देखना है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का वेरिएशन कैसे होता है। अब यहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल फील्ड क्या होगी, नेक्स्ट पॉइंट है डाइपोल फील्ड। डाइपोल फील्ड क्या होगी, इलेक्ट्रिक डाइपोल के राउंड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसी को कहेंगे डाइपोल फील्ड। ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई इलेक्ट्रिक डाइपोल अराउंड अस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक नो डाइपोल फील्ड। तो कह सकते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इज नोन एज डाइपोल फील्ड। कोई डाइपोल है, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, इनके बीच की डिस्टेंस, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसी को कहेंगे डाइपोल फील्ड। तो अब यहां पर देखना यह है कि इलेक्ट्रिक चार्ज अगर जीरो हो जाता है, टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज जीरो होगा, बट उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट होगा वेरिएशन ऑफ डाइपोल फील्ड विथ डिस्टेंस। अब यहां पर ये कह सकते हैं द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज इज जीरो, द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज जीरो, बट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल इज नॉट जीरो। ठीक। यहां पे कह सकते हैं कि ये जो है कि टोटल चार्ज जीरो होगा, बट इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो नहीं होगा। क्यों जीरो नहीं होगा, क्योंकि वह इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के कारण प्रोड्यूस हुआ है, इसलिए वो जीरो नहीं होगा। ये तो जितना प्लस है, जितना प्लस उतना माइनस, टोटल जीरो होगा, लेकिन फिर भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वह होता है कि किसी चार्ज के अराउंड का वह रीजन जिसमें अदर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है वह इलेक्ट्रिक फोर्स का एक्सपीरियंस करता है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इनके अराउंड में कहीं भी कोई अगर चार्ज लाएंगे वह इलेक्ट्रिक फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा, इसके अराउंड में कहीं भी इलेक्ट्रिक चार्ज लाएंगे इलेक्ट्रिक फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा, लेकिन अगर देखा जाए तो टोटल चार्ज इक्वल एंड अपोजिट, जितना माइनस उतना प्लस, टोटल जीरो। इसलिए कह सकते हैं कि टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज जीरो होगा, बट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। यहां लिख सकते हैं टोटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल
is zero, but electric, the dipole field of electric dipole is not zero. Electric dipole is not zero. Okay? तो यहां पे जैसा कि आपको बताए कि किसी डायपोल का टोटल चार्ज जीरो होगा बट उसका डायपोल फील्ड जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट था डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल एंड डायपोल फील्ड। ओके, थैंक्स।